कि हमारे यहाँ शादी उसी घर में होती है जहाँ भाई बहन दोनों। शादी होते से ही उसके हिस्से की प्रॉपर्टी मेरी। अब ये नया तरीका निकाला है मुझे नीचे दिखाने का कि मुझे शेर की तरह रहने की आदत है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। श्रुति कहाँ हो तुम? श्रुति, श्रुति, श्रुति कहाँ हो यार? इतनी देर लगा दी आने में? अगर पता होता ना कि ये सरप्राइज है तो थोड़ा जल्दी आ जाता। मुझे तड़पाया है, अब थोड़े टाइम तो तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। पूरा इंतजाम करके आई हो? बस अब और दूर नहीं रह जाता तुमसे। मुझे लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए हम दोनों को। कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे ना? शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ, पर मैं बहुत डरती हूँ कि कहीं भैया हमारी शादी के लिए मना ना कर दे। और तुम तो जानते हो ना कि भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो भैया मना क्यों करेंगे यार? अच्छा खासा दिखता हूँ, 6 फुट का हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, इतनी प्रॉपर्टी है मेरी, क्या कमी है मुझमें जो भैया मना करेंगे? हाँ, वो तो है। तो फिर तुम ऐसा करो, कल शाम को 5 बजे घर आ जाओ। मैं भैया को बोल के रखूंगी, पर भैया को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है? डन। बेटा कहाँ रह गए थे? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहा था? हाँ, मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया फोन पे। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। भैया कल मेरा कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, मैं सोच रही उसके बाद MBA कर लूँ। हाँ तो सोच क्यों रही है? देखो जो करना कर, कौन रोक रहा तुझे? बस तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ, मुझे लगेगा मैं तीरथ कर आई। माँ इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोल ना। माँ एक लड़की है, श्रुति नाम है उसका, बहुत अच्छी लड़की है माँ, बहुत पसंद करता हूँ मैं उसको। सच बेटा? तो हमें श्रुति से कब मिला रहा है? हमें ले चल उसके घर उसके रिश्ते की बात करने के लिए। माँ कल चलते हैं 5 बजे, उसकी फैमिली में सिर्फ उसके भैया हैं तो उनसे एक बार बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल कल चलते हैं, मैं भी तो देखूँ तुम्हारी पसंद। मेरा भी चलने का मन था लेकिन कल मेरे कॉलेज का रिजल्ट आ रहा है। कोई बात नहीं, तू कॉलेज जा, तेरी भाभी को हम लॉक करके आएंगे।
श्रुति ने मुझे बताया कि रमन और वो एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अब मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। बेटा हमारे लिए तो रमन सब कुछ है। अगर श्रुति रमन को पसंद है मतलब हमें भी पसंद है जी। अरे श्रुति आ गई। थैंक्स। अरे वाह हमारी होने वाली बहू तो बहुत सुंदर है। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ जी आंटी जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है पर अपने खानदान वालों से एक बार बात करनी होगी। मतलब? दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ शादी उसी घर में होती है जहाँ भाई बहन दोनों, ताकि एक लड़की दुल्हन बनकर जाए और दूसरी दुल्हन बनकर आए। अब हमारे माँ बाप तो है नहीं तो अपने खानदान वालों से मुझे एक बार बात करनी होगी। लेकिन बेटा अगर वो नहीं माने तो? अगर वो नहीं माने तो मैं जाकर भी कुछ कर नहीं पाऊंगा लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बाकी इन दोनों की किस्मत। पर ये इसमें तो रिस्क है ना। अगर वो लोग नहीं माने तो हमारी शादी नहीं होगी और आपको पता है श्रुति और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ रमन लेकिन मैं समाज के खिलाफ भी नहीं जा सकता ना। माँ काव्या भी तो शादी के लायक हो ही गई है ना, तो अगर हम काव्या की शादी भैया से करा देते तो परंपरा भी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन रमन काव्या अभी पढ़ना चाहती है बेटा और हमने अभी तक उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा है। तो अब सोच लेते हैं ना माँ, उसका भी घर बच जाएगा और मेरा भी घर बच जाएगा। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी आप एक बार सोच लीजिए और घर जाकर अपनी बहन से बात कर लो। शादी? भैया आपने सोचा भी कैसे कि मैं भी शादी करूंगी? आज नहीं तो 2 साल बाद तो करेगी, तो अभी कर ले। भैया मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अभी MBA करना है। अरे तो तेरे को पढ़ाई की टेंशन है ना, तो तू उस घर में जाकर पढ़ लियो। प्रॉब्लम क्या है? इतना अच्छा घर है, परिवार है, खुश रहेगी वहाँ पे। माँ इस भैया को समझाइए ना, इन्हें पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है बेटा तू शांत हो जा। रमन बेटा एक बार फिर से सोच ले। माँ आप ही कहती थी ना कि मैंने जिंदगी में हर फैसला कर लिया, तो फिर अभी क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? ये खुश रहेगी वहाँ पे। अच्छा सुन इधर इधर मेरे पास, तेरा भाई हूँ मैं, तुझे क्या लगता है तेरा कुछ गलत चाहूंगा? नहीं ना, देख उसे पढ़ाई की टेंशन है ना, तेरी पढ़ाई की मैं बात करूंगा ना उनसे। देख मैं गारंटी लेता हूँ तू ये शादी कर ले, तेरे सपनों की जिम्मेदारी मेरी, तेरा एक एक सपना पूरा होगा। बेटा बहुत सही परिवार है, तेरे को खुश रखेगा। मेरी इच्छा पूरी कर दे प्लीज। क्या बात है, वहां से जवाब आया नहीं और तुमने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। वो क्या है ना भाई, रमन मेरे प्यार में इस तरह पागल है ना कि वो अपनी बहन को मनाने के लिए कुछ भी करेगा। वैसे मानना पड़ेगा, क्या मुर्गा फंसाया है तूने? इकलौता लड़का, इतनी प्रॉपर्टी, इकलौती बहन। इसीलिए तो मैंने तुम्हें वो झूठी रस्म की बात करने के लिए कहा। वो क्या है ना, मैं अपने पूरे प्लान में किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। रमन से शादी होते से ही उसके हिस्से की प्रॉपर्टी मेरी और काव्या से शादी होते से ही काव्या के हिस्से की प्रॉपर्टी तुम्हारी। तो बन गए ना हम दोनों भाई बहन पूरी प्रॉपर्टी के मालिक। पर हाँ भाई एक बात का ध्यान रखना, जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना तुम्हें बिल्कुल ऐसे बिहेव करना है, तुम बहुत ही सीधे साधे हो। और जैसे ही शादी हो जाए उसके बाद जी लेना अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। अरे बहन तू चिंता मत कर, उनके सामने मैं ऐसे रहूंगा ना कि वो भी सोचेंगे कि ऐसा दामाद तोने चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। देखना अब कैसे हम दोनों भाई बहनों की शादी उन दोनों
भाई बहनों से पक्की होती है। बिल्कुल। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे क्या करूँ, शाम से तुमको फोन लगा रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो, इसलिए आना पड़ा ना। देखो संजय, मैंने तुमको पहले भी कहा है कि मेरे घर वाले तुमको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा था तो इतना करीब क्यों आए और क्यों नहीं करेंगे एक्सेप्ट घर वाले? आप पता है कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरी जॉब लगने वाली है, इतना तो कमाई लूंगा कि तुम्हारा और मेरा ख्याल रख सकूं। ऐसी बात नहीं है संजय, और वैसे भी अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। क्या शादी? काव्या, मजाक कर रही हो ना तुम? नहीं संजय, आज ही माँ भैया ने मेरी शादी तय कर दी। और तुम ये शादी करना चाहती हो? बोलो। तो क्या करूं, ये भैया की पूरी जिंदगी मेरी शादी पर निर्भर है। भैया ने पूरी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया है संजय, और अब मुझे उनकी खुशी के लिए शादी करनी पड़ेगी। मगर काफ़त फिर हमारा क्या होगा? कुछ नहीं संजय, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, और मुझे अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। और हाँ, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। देखो काव्या, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जान रही हो ना? काव्या काव्या, जी भैया। क्यों हुआ, सो गई दीदी? नहीं भैया। निक, मैं जानता हूँ तू डरी हुई है, लेकिन अपने भाई पे ट्रस्ट है ना, तेरा भाई तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। पता है भैया, सो जा। चलो आओ। अरे खड़ी क्यों हो, बैठो ना। अरे वहां क्यों बैठ रही हो, यहां बैठो मेरे साथ, आओ यहां पर आओ। कैसा लगा तुम्हें घर? क्या सोच रही हो? वो घर में कोई रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार क्यों चाहिए? गृह प्रवेश के लिए। मैं इन सब में बिलीव नहीं करता हूँ। और तुम भी क्यों सोच रहे हो इन सब के बारे में? छोड़ो ये सब, जाओ चेंज कर लो। चेंज? हाँ चेंज। क्यों, अब तुम इस लहंगे में बैठे रहोगे क्या? मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर हाँ, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है बेड पे, मैं लेकर आया हूँ, जाओ। इतनी छोटी ड्रेस? हाँ तो क्या हुआ, पसंद नहीं आया? इतनी छोटी ड्रेस मैंने आज तक कभी पहना नहीं है। तो क्या हो गया, आज पहन लो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? पति जो भी कहता है ये सब बात माननी होती है। जाओ लो। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल वैसी लग रही है तुम एकदम, जैसा मैंने सोचा था, एकदम मस्त। We'll be right back.
फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ, फिर बहू से रसोई की रस्म भी तो करवानी है। माँ अभी आई। आ गए तुम लोग? बहू आ जाओ मेरे साथ, तुम अपने हाथों से आज कुछ मीठा बनाओ। मीठा? पर वो क्यों? अरे बेटा ये तो रस्म होती है ना, नई नवेली दुल्हन सबसे पहले अपने हाथों से मीठा बनाती है, बाद में कुछ और। एक मिनट, ना मैं मीठा बनाऊंगी और ना कुछ और। रमन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ये किचन विचन का काम मुझसे नहीं होगा, और तुमसे कहा था ना कि किसी काम वाले को रख लो, फिर ये सब क्यों? अब हाँ रिलैक्स माँ, क्या आप भी पुरानी परंपराओं में फंसे हुए? पड़ोस में आती है ना खाना बनाने के लिए, उसको बुला लेते हैं। चलो कुछ खिला दो ना, भूख लग रही है बहुत ऑफिस जाना। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। अभी नहीं। कहाँ क्या रखा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नाश्ता बनाया नहीं? तुम सुबह से किचन में कर क्या रही हो? एक चाय तक नहीं बनाई अब तक? मैं बस अभी तुरंत बना देती हूँ। चापत्ती कहाँ रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम अपने पति से पूछोगी कि किचन में सामान कहाँ रखा हुआ है। सुबह से अब तुम्हें याद आया नाश्ता बनाना। बिना चीनी चाय पत्ती के साथ साथ चापत्ती याद रहेगा कहाँ रखा हुआ है? और चिल्लाना बंद करो। मुझे आधे घंटे में नाश्ता चाहिए, आधे घंटे में, समझ आई? मैंने इसलिए कॉल किया था कि तुम्हें जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए एमबीए के लिए उसके फॉर्म्स आ गए, एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना और उसे भर देना, कल लास्ट डेट है। ओके थैंक यू। क्या हुआ काव्या, ठीक तो तुम? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, मैं फोन रखती हूँ। बेटा कैसा चल रहा है सब? माँ काव्या बेटा तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? माँ दुनिया बहुत अजीब है, अजीब सब व्यवहार करते हैं मेरे साथ। मैं किचन में खाना बना रही थी, उन्होंने मेरा पूरा हाथ चला दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। माँ बेटा तू रो मत, मैं अभी रमन से बात करती हूँ, हम लोग आज ही वहाँ पर आ रहे हैं। हाँ प्लीज बहुत जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। हाँ हाँ तो घबरा मत, मैं रमन को बोलती हूँ, हम लोग आ रहे हैं। बेटा चिंता मत कर, आ रहे हैं। ये लो, और कुछ तो नहीं भूले ना? नहीं नहीं बस पानी की बोतल रख ली थी। बेटा हाँ माँ, अभी अभी काव्या का फोन आया और वो बहुत रो रही थी। बेटा वो कह रही थी कि करते हैं ना, हम लोग अभी उसके पास चलते हैं, ठीक है? मम्मा आप शांत हो जाओ, भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है मैम, तुरंत वहीं पे चलते हैं उसके पास। रमन रमन
आप रुकिए, आप ऑफिस जाइए, मैं जाके देख लेती हूँ क्या हुआ है, मैं भैया को समझा दूंगी, ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, मैं सब नहीं नहीं बेटा, वो बहुत रो रही थी। बेटा ऐसा कौन व्यवहार करता है अपनी पत्नी के साथ, हमें चलकर देखना चाहिए ना। चल बेटा। माँ जी मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि मैं जाके सब कुछ संभाल लूंगी। देखिए वो मेरे भाई हैं, जितनी खुल के वो मुझसे बात कर सकते वो आपसे नहीं कर पाएंगे। मैं उनसे सारी प्रॉब्लम समझूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि अगली बार से ऐसा कुछ ना करें, ठीक है? सही कह रही है वो। ठीक है तुम जाओ, बात को संभालो और देखो आइंदा से ऐसा कभी ना हुआ। अगर बात कंट्रोल में नहीं आती मेरे को कॉल करना, मैं तुरंत वहीं आ जाऊंगा। हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, टेंशन मत करो, वो संभाल लेगी। ठीक है बेटा। माँ माँ आप भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाती हूँ वहाँ पे। अरे बहन तू यहाँ, कल तो गई थी आज वापस आ गई। तुम मुझे चैन से जीने कहाँ दे रहे हो? मतलब? मतलब तुम्हें समझाया था ना कि शादी के बाद थोड़े दिन शांति से रहना, पर तुमने शादी के बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दी। अच्छा मतलब मेरी बीवी की जुबान बहुत लंबी है। इतनी लंबी है कि सारी बातें चल के मेरे घर तक आने लगी, और तुम ना तुम कान खोल के सुन लो, बहुत मुश्किल से हासिल किया है ये सब मैंने, और तुम्हारे कारण अगर कुछ भी खराब हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं इतनी अच्छी बीवी मिली है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उसके साथ इज्जत से रहने में? तुझे तो पता ही है कि मुझे शेर की तरह रहने की आदत है, मैं नहीं रह सकता ऐसे, मुझे अपनी शर्तों पे रहना पसंद है। अरे तू रहो ना यार, और उसे भी सिखाओ, पर तुम्हारा ये जाहिलपना दिखाना बहुत जरूरी है। अब क्या करूं, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता ना मेरा। कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से हासिल किया है हमने ये सब, और तुम्हें पता है आज तो मेरी सास उसे लेने आने वाली थी, अगर आज वो यहाँ आ जाती ना तो फिर तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू चिंता मत कर, अब तुझे दोबारा ऐसा मौका नहीं दूंगा, मैं जानता हूँ इसको कैसे बोतल में उतारना है। क्यों रही हो? मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, वो क्या है ना कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बस उसी की माफी मांगने आया हूं आपसे, तुम्हारे लिए, लीजिए ना। माफ कर दिया आपने मुझे, ये क्या कर रही हो तुम? MBA का फोन? जी हाँ, वो भैया ने आपसे बात की होगी ना, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, MBA करना मेरा सपना है। अच्छा तो मतलब अब ये नया तरीका निकाला है मुझे नीचे दिखाने का है, पहले पढ़ोगी फिर उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी होगी ना, है ना? उठो, खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो, तुम इधर आओ, इधर आ, बीवी है ना तो बीवी की तरह रहे, समझ आई? ये तुम्हारा फोन, बहुत चुगली करने की आदत है ना तुम्हें, है ना? अब ये मेरे पास रहेगा, देखता हूँ तुम क्या करती हो, समझी? चलो
खाना रेडी है, खाना खा लेते हैं। भैया के घर गई थी? हाँ। क्या बात हुई? एक्चुअली ना भैया बहुत शर्मिंदा थे, और वो जो पानी वाला हादसा, वो केवल एक हादसा था, भैया को तो पता भी नहीं था कि उसमें गर्म पानी है। उन्होंने ना मेरे सामने काव्या से माफी मांगी और काव्या ने उन्हें माफ भी कर दिया। थैंक गॉड यार, डर ही गया था मैं तो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, आप बस मुझ पे ध्यान दो, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं, इसलिए आप लोगों से माफी मांगने चले आए। भैया प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपने गलती रियलाइज की बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बेटा काव्या नहीं आई साथ में? जी वो कॉलेज गई है फॉर्म भरने के लिए एमबीए का। अब आप सब लोगों से वादा किया है उसके सारे सपने पूरे करूंगा, तो निभाना तो पड़ेगा ना। भैया सच में आप कितने अच्छे हैं ना, पर अगली बार भाभी को जरूर लाना। जरूर। चलिए ना मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। नमस्ते। ठीक है बेटा। The mobile number you have called is switched off. Please try again later. ये तो काव्या की आवाज है। बाहर निकालो यहाँ से। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। मैं मर जाऊंगी। काव्या? 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 संजय प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, वो मेरा पति सूर्या है ना, और चांद भी नहीं है, वो मुझे बहुत मारता है, मेरा फोन भी छीन लिया। पहले तुम्हारे आराम से बैठो, शांत से बैठ। भैया अरे हाँ, तुम्हारा फॉर्म फिल करने का लास्ट डे था, सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा है। संजय प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मेरा पति मुझे मार डालेगा। हाँ शांत हो जाओ काव्या, शांत हो जाओ, और रो मत, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। हाँ अभी के लिए हम यहाँ से निकलते हैं, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। ठीक है चलो जल्दी से सामान पैक कर लो अपना। रुको, फोन दो अपना।
हेलो माँ, मैं काव्या। सूर्या ने मुझे घर में बंद करके रखा है माँ। मुझे ना कुछ खाने को दे रहा था ना कुछ पीने को। मैं उसके साथ नहीं रह सकती माँ। मैं आपके पास तुरंत आ रही हूँ माँ। आके आपको सब कुछ बताती हूँ। सुन रही हूँ माँ, मैं अपने दोस्त संजय के साथ हूँ। काव्या, तू घर पे मुझे मत मिल। तू ऐसा कर तो वो लाल चौक वाला मैदान है ना, वहाँ पे मिल। यहाँ पे तेरी भाभी है ना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो वहीं पे रुक, वहीं पे मिल, है ना? ठीक है माँ, जल्दी आ जाओ माँ। बहू, किसका फोन था बेटा? माँ, वो मेरी एक फ्रेंड का कॉल था। वो ना बहुत मुसीबत में है, उसे मेरी अर्जेंट जरूरत है। मैं अभी आती हूँ। हाँ क्या बोला माँ ने? लाल चौक के पास बुलाया है। चल चल। हेलो। हाँ बहन, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या किया तूने काव्या के साथ? हाँ अरे कुछ नहीं किया, घबरा मत, उसे बंद करके रखा है मैंने, अब वो कहीं नहीं जाने वाली। चुप कर, वो भाग गई है घर से। क्या? किसी संजय के साथ। उसने मुझे कॉल किया था, वो तो अच्छा हुआ घर में कोई नहीं था। मैंने उसे लाल चौक वाले मैदान में बुलाया। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। तू मुझे मैदान के पास मिल। अब तू कुछ नहीं करेगा, अब मैं करूंगी। तू बस उन बातों को ध्यान से सुन। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। एकदम सुशील है ना, तो ये क्या है, क्या ये सब? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा, सब इल्जाम सहे ताकि उसकी इज्जत बनी रहे, मुझे क्या पता? वो तो मेरी है ही नहीं ना। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरी काव्या ऐसा नहीं कर सकती है। माँ जी, आप ये सब देखने के बावजूद ये बातें बोल रही हैं? अरे मुझे तो मेरे भाई पे तरस आ रहा है कि आपकी बेटी ने मेरे भाई की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई भाई, अब आप क्या करोगे? मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहा। भैया भैया प्लीज, आप शांत हो जाइए, मैं लेकर आऊंगा अपनी बहन को। क्या करूंगा उसका? उस औरत को ना अपने घर पर रखो, मुझे नहीं चाहिए वो वापस। और हाँ, तुम्हें तलाक पेपर भेज दूंगा। और हाँ, तुम क्या करोगे यार? चलो मेरे साथ। एक मिनट, उसको क्या लेकर जा रहे हो? तुम्हारी बहन मेरी बीवी बनकर मेरे घर पे आई, तब मेरी बहन तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर पर आई, समझे? ये हमारी शादी हो चुकी है, अब ऐसे इसको लेकर नहीं जा सकते। ये शादी एक रस्म के लिए हुई, जब वो रस्म ही नहीं रही तो ये शादी किस बात की? ये यहाँ नहीं रहेगी। चलो भैया, भैया प्लीज, चलो भैया। बेटा तू शांत हो जा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। आपको भी काव्या की पड़ी है? अरे मुंह काला करा कर भाग गई वो, पता नहीं किस लड़के के साथ। पहले पता होता ना उसकी शादी तो ना कराता, कम से कम एक बार बता सकती थी बॉयफ्रेंड है मेरा। अरे उसकी वजह से मेरी बीवी चली गई आज, आपको भी उसकी पड़ी है। बेटा सुन दो, इस कमरे से भी बाहर नहीं जाएगी। काव्या हम क्या करेंगे? अरे गुस्सा
भाभी, मुझे पता था आप लोग हमें जरूर ढूंढने की भाभी। वो सूर्या, मैं जानती हूँ मेरे भाई कि वो जल्ला दे जल्ला। मेरी वजह से तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो तो मैं सूर्या का पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। तेरे भाई को मैं कॉल करती हूँ, तो उन्हें खुशखबरी सुना है ले, और उन्हें पता भी बता दे यहाँ का। हेलो हेलो भैया, भैया मैं काव्या, भैया प्लीज आप जल्दी से लेने आ जाओ। भैया कहाँ पर हो तुम? भैया वो लाल 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 चौक के पास एक गोदाम है, घंटा घर के पास। भैया प्लीज जल्दी। हेलो 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 काव्या, हम लोग यहाँ से जल्दी निकलते। हाँ, अगर सूर्य आ गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलो मुझे धोखा दे रही है। अरे बिन बिन, सादा जोर से तो नहीं लगा ना, अब आगे बता क्या करना है। वो सब छोड़, ये गेम बहुत अच्छा हो गया, बस अब आखिरी दांव खेलना बाकी है। रमन रुक, मैं भी चलती हूँ। रमन रमन रमन, सूर्या भैया, सूर्या भैया हमें एक नहीं होने देंगे। वो मुझे मिले थे, वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद ना, उसके बाद मुझे काव्या मिली। काव्या एक लड़के के साथ थी। मैंने उसे बोला कि तुम घर चलो, तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते। पर काव्या ने मेरी एक भी नहीं सुनी और उन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। मुझे बहुत मारा और मैंने उनसे कहा ना कि तुम्हारे भैया तुम्हें चाहते, तुम चलो। तुमने अगर आपने हमारे बारे में भैया को बताया ना, भाभी आपको छोड़ेंगे नहीं। काव्या ऐसे क्यों करेगी? सच कह रही हो? और क्या माँ? देखा नहीं आपने क्या हालत बना दी उसने मेरी काव्या की? उसे ड्रामा कर रही है, उसे मेरी काव्या को धमकी दे रही है, उसको कह रही है कि वो काव्या को मुझसे अलग कर देगी। कहाँ देखा तुमने उसको? मैंने उसे ना वो मेरा लाल मैदान जो वहाँ पे देखा था, काव्या की रक्षा कर। काव्या तो खून निकल रहा है। काव्या भैया, भैया यही है ना जिसके साथ भागी है तुम? कुछ नहीं अकल नहीं है। मैंने साथ तो पता है ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे क्या तेरा प्यार है मेरे साथ, नकली प्यार है तेरा, सब पता था। अगर तेरा बॉयफ्रेंड था तो मुझे बता देती ना ये सब ड्रामा क्यों किया। मुझे बचाया है सूर्या, मुझे मत करके रखा था। कोई झूठ नहीं चलेगा, मुझे पता सच के तू सब पता तेरी वजह से सब हुआ। भैया जो आपको मैं छोड़ दूँगा। क्या किया भैया आपने? काव्या भैया ये क्या कर दिया? रमन काव्या के बोलो, काव्या तुमने क्या किया? गिरफ्तार करो इसे। हेलो एम्बुलेंस। रमन तेरा प्लान तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन अब आगे क्या? पति तेरा चला गया है जेल, पत्नी मेरी चली गई ऊपर, अब प्रॉपर्टी का क्या? प्रॉपर्टी का क्या है?
बस इस बुढ़िया को ना रास्ते से हटाना है, फिर ये सारी प्रॉपर्टी ना ऑटोमेटिकली हमारे। चल बहू। मैं जानती थी सारा खेल तेरा ही रचाया हुआ है। जिस संजय ने बताया कि कैसे तूने ही काव्या को कहा था कि रमन को फोन करे, बेटे को तो तूने अपराधी बना दिया, लेकिन अब तुम दोनों को भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो बातें तुम लोग ने अभी की है वो सारी बातें इस फोन में रिकॉर्ड हो गई हैं, और मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। बहुत जल्द तुम दोनों जेल के अंदर होगे। चुप, फोन छोड़ो मुझे। फोन छोड़। जेल में जाओगे? नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। रुक जा भाई, ऐसे नहीं माने। बोल जल्दी से फोन दे दे, नहीं तो बुढ़िया का सर फट जाएगा और वो भी ऊपर पहुंच जाएगी। जल्दी दे। मेरा नहीं दे रहा, जल्दी दे, नहीं दे रहा। कौन बुढ़िया का सर? अरेस्ट करो दोनों को। इंस्पेक्टर साहब, इस फोन में इन दोनों के खिलाफ सारे सबूत हैं। थैंक यू, लेकर चलो इन्हें।